वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज का ब्लॉग होने वाला है, हम जा रहे हैं कैची धाम नैनीताल। भाई हमें भी तो ले लें। तो अभी हम हैं दिल्ली मेट्रो बदरपुर बॉर्डर में मिलते हैं गाइस। हम हो चुके हैं लेट, कितनी देर लेट है हम यहाँ पे? हार्डली से हार्डली 10 to 15 minutes, 15 to 20 minutes लेट है ट्रेन। भागते भागते आए, बीपी हो गया मेरा हाई। दिल्ली मेट्रो में आने के बाद कुछ अलग ही नजारा है। हम चारों बंदे मिल चुके हैं, बारिश आ रही है, ट्रेन हो रही है लेट। मेरा पूरा प्लानर ये है, इसने आज आप देख ही सकते हो कितना स्मार्ट लग रहा है भाई। स्मार्ट लग रहा सबसे ज्यादा। गाइस हम पहुंच चुके हैं पुरानी दिल्ली स्टेशन बदरपुर से। पहले हमने ली मेट्रो, फिर हम आए बदरपुर से पहले नहीं बदरपुर से पहले हमने 150 मेट्रो टिकट है। मेट्रो ट्रेन हमने एक हफ्ते पहले करा दिया है। तो आप प्लेटफॉर्म नंबर कौन सा है? एक प्लेटफॉर्म नंबर 6 प्लेट नंबर है इन जैसा कोई नंबर है। हेलो गाइस, ट्रेन आ चुकी है। ट्रेन चल चुकी है, निकल चुके हैं काठगोदाम के लिए। धड़कन काठगोदाम के लिए निकल चुके हैं। दो भाई हमें यहाँ है, दो भाई की सीट वो दो अपना वहाँ पर बैठे बैठे चार का वो नहीं बंदा उन्हें बुला लेते हैं। हाँ ये तो है। ये हमारे लॉर्ड पुनीत हवाबाजी कर रहे हैं ट्रेन में। डीसी की डब्बा और ट्रेन हो गई है पंचर। अरे तुम्हारा डोला तो गाइस चूतियापा फैला रखा है इन्होंने। बसड़ा मचा रही है कहते पूरे ट्रेन में बसड़ा मचा रही है। 130 रुपए वसूल कर रहे हैं भाले। 130 रुपए पूरा वसूल कर रहे हैं। मैंने तो कही थी 600 वाली करने की, लेकिन ये हमारे भाई साहब हैं, इन्होंने 130 की ले लिया। गाइड लोग गाइड भाई पर फुल मजा है। 130 वाली में मजा 600 वाली। मैं आपको व्यू दिखा दूं, देखो खजूर के पेड़। पानी नहीं यार गाइस। अभी खाने को मिल गया हमें कुछ, अंदर एनर्जी आ गई है। वो एनर्जी आ गई है। चकना खा लिया अंकल को। ये अंकल को ये हमारे कजन रिलेशन है। पहुंच गए ये मुरादाबाद। हम भाई चल मुरादाबाद पहुंच चुके हैं। 8:30 बज रहे हैं, खाना खा लिया। तो 2-3 घंटे का और समय, 12-1 बजे हम पहुंच जाएंगे और मुरादाबाद, फिर उसके बाद काठगोदाम, फिर उसके बाद कैची धाम। सून मिलते हैं। असवनी को अंदर बैठा रखा है, सामान की निगरानी कर रहा है। उसको बोला ना क्या कहते हैं बैठे रहे और कुछ नहीं। खाना खा लिया भाई? भाई बिल्कुल। डिनर हो चुका है, भाई बाहर खड़े हैं, मैं सामान को दे रहा हूँ। हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड की देवभूमि। पता नहीं कहां पहुंचे, रुद्रपुर पहुंच गए। ये उत्तराखंड में एंट्री कर ली है। ये पागल ही ने कुछ नहीं पता गाइस, इनने जिंदगी भर बस मैप नहीं पढ़ा। रुद्रपुर गए, कहां पहुंच गए हम? जेतपुर से ऑटो में गए हम। जिनने सैदपुर सीधा ऑटो, सैदपुर से ऑटो में गए बस रुद्रपुर बॉर्डर तक। नहीं सफर क्या गाइस, हम गए उत्तराखंड आ गए।
कैमरामैन योगेश के साथ कैमरामैन। अरे एक काम करना सुन। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी। पहुंच चुके हैं रात के रात के एक बज गए। गाइस हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी। तो हल्द्वानी के जस्ट बाहर खड़े हैं, आप देख रहे हैं हमें कुछ ऑटो वगैरह कुछ मिल जाए तो हम होटल तक जाएं, रूम वगैरह बुक करें। रात को जानी है, तो नींद आ रही है, आंखों में भरी है नींद, सपने ख्वाब ख्वाब, सुबह घूमना है, एटीएम से निकालना है अभी लॉर्ड पुनीत पैसा, लॉर्ड पुनीत पैसे निकालने गए हैं और ये सोनी भाई निकालना है लॉर्ड पुनीत पैसा, अब देखो क्या होगा कैसा। गाइस उत्तराखंड की गलियां दिखा रहा हूं मैं, हल्द्वानी की एक एक गलियां जहां गुजरते हुए रास्ते सेतपुर से जैसे ये थोड़े थोड़े पानी भरे हुए। देखो गाइस ये होटल है, होटल्स होटल्स गाइस ये होटल्स, ओहो मा दुकान के बाहर लूट मार, दुकान के बाहर लूट मार। गाइस मैं हूँ रूम में 800 रुपए रूम, 10 रुपए के रूम में, 10 रुपये का रूम लिया है स्टेशन पे, तो भाई लूट मार रहे हैं बताओ आगे बिल्कुल फैल के। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30, नहा धो के चेकआउट कर लिया है, अब हम जा रहे हैं कैची धाम के लिए। हल्द्वानी से पकड़ेंगे बस, हल्द्वानी से पकड़ेंगे बस और हम पहुंच चुके हैं कैची धाम। वो ऊपर रूम देख लिया है, बहुत ठंड है, मेरे द्वारा खराब हो गई, बहुत ठंड है। इसको ही शकल देख कर रूम से भगा दिया। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं। कहाँ भैया एंटर कर रहे हैं कैची धाम में। गाइस ये धर जा क्या कहते हैं, जय श्री राम। सामान कैची धाम, मम्मी मैं कैची धाम पहुंच गया बेटा, ज्यादा खाएगा
ये ज्यादा बोल रहा है। तो पहुंच गए नीम कुरोली बाबा क्या क्या चीज है? जय श्री राम, जय श्री राम। दर्शन करने क्या? हाँ हाँ चलो जल्दी। बनाए नहीं वीडियो बनाई थी? अरे बताना चाहिए ना। चलो नहीं इस दर्शन हमने कर लिए हैं, हम जा रहे हैं। ये मेन गेट है, यहाँ से एंट्री है। यहाँ से आपको देखा मैं जो देखा था पानी बह रहा है उसमें वीडियो बैक 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 ये पूरा का पूरा देखो पहाड़ है, पहाड़ों के बीच। ये देखो देखो सुन पानी की आवाज सुनो कभी। दर्शन कर लिए हमने, अब जा रहे हैं हम नैनीताल जा रहे हैं। उससे पहले हम थोड़ी और फोटो वगैरह क्लिक कराएंगे, थोड़ा लंच करेंगे, थोड़ा क्या लंच करेंगे देन उसके बाद से। नाइस मेरा ब्लॉग ही कर दे यार, चलो कोई नहीं ना मैं बोलने तो दे। कैची धाम में आपका स्वागत है। देख नीचे देख। कैची धाम की दर्शन करके आप उससे 100-200 मीटर आगे साईं बाबा का मंदिर है, आप वहां आ सकते हैं। देखिए साईं बाबा मैं यहाँ पे आइए। ठीक ओए नीचे कैसे जाऊं? यहीं से बना लूं? और नहा रहे हो क्या तुम? अब आ जाएंगे नहाने के लिए, इस पर नहाएंगे भाई। अब भाई चल चुके हैं। पुनीत भाई आ जाओ नहाएंगे। अबे नहाए इसमें लड़पीस नहाए।
गाइस फाइनली रूम मिल गया है। और ये भाई भाई पीछे देखो, वो देखो व्यू, अरे पीछे ले गए वाओ। और ये देखो रूम, ये रहा हमारा रूम, देखिए गाइस वाओ पीछे को व्यू देखना। बचपन भी गया जवानी भी गई। गाइस हम निकल चुके हैं राइडिंग के लिए, पहले का कुछ खाएंगे उसके बाद। ये योगेश है, सारे प्लानर की मांग, नैनीताल की गलियों में। पहाड़ से हम सबसे महंगे वाले चाय रेस्टोरेंट में आए हैं। वो नाराज हो गया, इसकी आरुष से हो गई गुस्सा। गाइस 6 बज रहे हैं और यहाँ का धुंध देखो। कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं, 6 बजे इतना फॉग है। देखो बोटिंग के लिए जा रहे हैं 6 बजे, अब देखते हैं बोटिंग करवाएगा नहीं करवाएगा। गाइस हम जा रहे हैं बोटिंग पे, इतने धुंध इतना फॉग के बाद भी हमने बोटिंग शुरू कर दी है। ये कह रहे हैं 80% चांस ही हमारे वापस आने के कि यह खेल वित्तीय जोखिमों के अधीन है, कृपया अपनी जिम्मेदारी से खेले। हम एक दो एकदम बीचों बीच हैं। लेट्स सी गाइस, यस यस। ओ मैं आपको अपने सामने का मुंह वो दिखाता हूँ। आप जब भी नैनीताल आए इनकी बोटिंग में वोट करे, वो करे स्विमिंग कॉस्ट्यूम फ्री है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम फ्री है। ये थोड़ा इन्होंने थोड़ा मुझे ये थोड़ा गंदा था, इन्होंने थोड़ा मुझे गंदा था बना दिया। वोटिंग हो गई समाप्त गाइस, मजा आ गया, बारिश आ रही है हल्की हल्की। गाइस यहाँ का हम दोनों का, गाइस यहाँ का मौसम बिल्कुल अश्विनी की बंदी की तरह है, मिनट में चेंज हो रहा है, मिनट में। सही कही भाई, मिनट में। और ये आरू का चारू भाई, ये क्या हाल है भाई, अब कर दे लॉर्ड पुनीत। अरे भाई गाइस नैनीतालों की, नैनीताल की गलियों में मैंने देखा बारिश में ही चलो थी इसको, वहां पर वहां गया था, वहां भी बारिश में चलो रही थी, अभी चलो रही है। चलो भाई आगे चलते हैं, चल रहा पीछे। गाइस 10 बज रहे हैं नैनीताल में, कड़ाके की तेज हो रही है बारिश, हम निकले हैं छाते में अपना खाना खाने, वेरी डेंजरस थिंग। पैर में चप्पल भी नहीं है, पैर में चप्पल भी नहीं है गाइस, नंगे पैर पद यात्रा हो रही है। ओ अभी लेंगे चप्पल, यहाँ से नहीं खरीदेंगे हम। साले गांव तेरा शहर तेरा, हम लोगों ये लिया 150 रुपए की। गाइस तो मैं रात का डिनर हो रहा है 9:30 बजे गाइस, रईस लोग थाली अब नहीं है, गाइस रईस लोग थाली खा रहे हैं यार। अब देखिए अभी इसके ड्रामे होंगे नहीं होंगे, खाली चीते और क्या, दो बार बोला ना, खाली मंगा लो, खाली मंगा जब से मैं उससे बोल। गाइस देखो ये बकड़ खा रहे हैं, राजपूत का खून होगा ना, असली क्षत्रिय का खून होगा। हम दिल्ली के लिए हमने बस पकड़ लिया,
हम जा रहे हैं दिल्ली। ये तो बताते बस में हालत कैसी है, उल्टी हो रही है, हालत बहुत खराब है, मैं बता नहीं सकता। पहाड़ी होके भी बिल्कुल उल्टी होगी। हम पहुंच चुके हैं आनंद विहार, तो आनंद विहार से पकड़े गए हम मेट्रो। ये दोनों अपनी जद्दोजहद में बिजी। तो फाइनली गाइस हम घर पहुंच चुके हैं बदरपुर बॉर्डर, और यहां से एग्जिट कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। और पूरा पूरा ट्रिप का टूर वो देखना, वीडियो देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल का नाम है प्रदीप बेबी।